एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली और ये जो रीडिंग है ये एक्वेरियस राशि वालों के लिए है, कुंभ राशि वालों के लिए है। सन मून राइजिंग कि अगस्त के मंथ में आपकी लव लाइफ करियर में क्या आने वाला है, एडवाइस क्या है और ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की क्या रहेगी, तो चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, अगस्त के महीने में प्लीज लॉर्ड हमें बताइए एक्वेरियस की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। वाओ, फूल कार्ड जो है वो बात करता है अबाउट न्यू बिगनिंग। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग जो है वो आने वाली है, या तो करियर में या तो लव लाइफ में, किसी भी चीज में। मुझे एक 5D यहाँ पे लेवल पे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में एक चैप्टर एंड हो रहा है और एक नया चैप्टर जो है वो शुरू हो रहा है, जो कार्ड मुझे बता रहा है। ये कार्ड मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी दिखा रहा है कि करियर में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मुझे ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपका कुछ ड्रीम था या आपकी कोई डिजायर थी वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने वाली है, आपकी रियलिटी में आने वाली है वो चीज। कोई भी चीज हो सकती है, जॉब हो सकता है, लव रिलेटेड चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। चलिए देखते हैं कि आपके करियर में क्या आने वाला है। वी हैव द कार्ड हैप्पीनेस, वाओ, वी ऑल्सो हैव द कार्ड लीडरशिप। ओके, दोनों कार्ड जो है वो मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि नाउ इट्स टाइम फॉर यू। अब आपके लिए टाइम आ चुका है कि आप इस लीडरशिप रोल के अंदर आ जाइए, बिकॉज ये चीज आपकी लाइफ में काफी हैप्पीनेस लेके आने वाली है। कोई सीनियर पर्सन जो है या फिर कोई बॉस जो है वो आपको कुछ सपोर्ट करने वाले हैं इस मंथ के अंदर। क्या आने वाला है इनके करियर में लॉर्ड? डेफिनेटली स्टेबिलिटी जो है वो स्लोली आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। फाइनेंशियली मुझे चीजें पहले से बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। इवन मुझे आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं ना, कि फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो मुझे दरवाजे खोलते हुए नजर आ रहे हैं कि धीरे धीरे आप उस नेगेटिव स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, फ्लो के साथ, बहाव के साथ आगे जा रहे हैं। क्योंकि अब आपने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि जो है वो ऐसा ही है और अब हमें इसी में अपने लिए रास्ता ढूंढना है। तो जैसे ही आप इस थिंकिंग में आ रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपको वो लाइट दिखाई दे रही है, आपको वो रास्ता दिखाई दे रहा है और आप अपनी लाइफ में आगे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कार्ड्स मुझे ये भी बताते हैं, हो सकता है कि ओके, दिस इज फॉर फ्यू पीपल, अगर आपकी बॉस, मुझे मतलब ऐसा लगता है कुछ लोगों की बॉस अगर कोई फीमेल है तो मुझे हो सकता है कि थोड़े से वो आपके लिए कुछ चैलेंजेस क्रिएट कर सकती हैं, थोड़ा सा उनके साथ आर्ग्यूमेंट या कुछ हो सकता है, बट पेशेंस रखने की जरूरत है आपको अपनी जॉब में, अपने वर्क के अंदर। उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि जो लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे, लेट मी पुल वन कार्ड फॉर देम। स्टूडेंट्स को यूनिवर्स आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, प्लीज लॉर्ड क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लेने का टाइम आ चुका है अब और बहुत जरूरी है ये आप लोगों के लिए जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, क्योंकि मुझे इन फ्यूचर आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट दिखाई दे रही है। स्पेशली आने वाले 8 से 12 महीनों के अंदर आप लोग कुछ बहुत बड़ी चीज अचीव करने वाले हैं। तो ये कार्ड जो है बताता है कि अगर आप उस चीज की प्रिपरेशन अभी से करेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू योर लव लाइफ, कि लव लाइफ में क्या आने वाला है। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी टेल यू, आप चाहें तो मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, इंट्यूशन इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो नीचे गिवन है, यहाँ पर यूजर ID भी गिवन है। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। चलिए एक्वेरियस, देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज लॉर्ड हमें बताइए एक्वेरियस, कुंभ राशि, सन मून राइजिंग, क्या आने वाला है इनकी लव लाइफ में। गर्ल टॉक, एक्स, ब्रेकिंग अप, स्टॉपिंग द पैटर्न, कोई अगेन आप पुरानी साइकिल कोई खत्म कर रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है। अगर आप किसी कनेक्शन में थे या बहुत टाइम से ब्रेकअप के बाद चीजें आपकी लाइफ में ठीक नहीं हो रही थी, बहुत परेशान हो रहे थे, तो इस मंथ आप काफी बेटर फील करने वाले हैं, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू हैव फन विद योर फ्रेंड्स, अगर आप लोग सिंगल हैं तो। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू हेल्प। वाओ, क्यूपिड एरो, हैव फेथ, लव इज कमिंग। यहाँ पे लिखा है सरप्राइज, इनविटेशन और मीटिंग, हेजिटेशन। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे काफी एक अगेन न्यू बिगनिंग की एनर्जी आप लोग ले दिखाई दे रही है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ये मंथ आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। लव कॉल का भी कार्ड आया तो कोई अपना लव भी एक्सप्रेस कर सकता है। बट मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप सिंगल है तो आप ये मान लीजिए पुरानी कोई साइकिल आप ब्रेक कर रहे हैं। हो सकता है आपको कोई सेल्फ वर्थ इशू थे, आपको लगता था कि आप इनफ नहीं हो, उस तरीके की साइकिल से आप बाहर आ रहे हो, अच्छी दिशा में मूव कर रहे हो। मुझे ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए।
जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो भी नेगेटिव और टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो आपके दोस्त हो या कोई भी पर्सन हो, आप उन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं जो यहाँ पर मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि इस मंथ आपके आपके पर्सन से कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन होने वाली है, बातचीत होने वाली है, जहाँ पे आप काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हो, डिसाइड करने वाले हो फ्यूचर को लेके या प्रेजेंट को लेके। उस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। जो लोग सेपरेशन में हैं, जिन लोगों का डिवोर्स चल रहा है, लेट मी सी फॉर देम प्लीज यूनिवर्स उनके लिए क्या मैसेज है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, डेफिनेटली बहुत कार्ड रिलेटेबल है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स और ब्रेकअप, ये दोनों कार्ड यही बात करते हैं कि आप किसी पैटर्न को खत्म करके आगे बढ़ रहे हैं। तो लाइफ में जो कुछ भी हुआ, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। आप देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है मूविंग ऑन। सो डेफिनेटली आप काफी लोगों से अपनी बातचीत शेयर करने वाले हैं, मन हल्का करने वाला है, अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को एम्ब्रेस करने वाले, एक्सेप्ट करने वाले हैं और मूव ऑन कर रहे हैं लाइफ में आगे। सो चलिए देखते हैं कि आपकी इस मंथ के लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। इल्यूमिनेशन, ओके। सो मे बी आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो, या फिर कोई पर्सन है जो आपको लगता है कि आपके लिए बिल्कुल ठीक है, आपके लिए परफेक्ट है, बट यूनिवर्स जो है कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा रेड फ्लैग्स दिखा रही है उस पर्सन को लेके। इवन आप किसी प्योरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जहाँ पे जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, अगेन सेम वही बात आ गई है कि आप पैटर्न्स जो है वो ब्रेक कर रहे हैं, पुराने टॉक्सिक पैटर्न्स, ताकि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस पा सकें और एक ट्रू लव आपको आपकी लाइफ में मिल सके। अगर वो ऑलरेडी पर्सन आपकी लाइफ में है, तो आप उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं जो आपके रिलेशनशिप में या तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या फ्यूचर में क्रिएट कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, एंड अगर वीडियो मैच करती है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।